हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हर बार की तरह और आज की खुशखबरी है, 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड। तो थैंक्स फॉर गिविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट। बाकी पापा चले गए। ऊपर जाल में। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, हर बार की तरह, जैसा कि मैं बोलता हूँ। लेकिन वो तो बाद में पता चलता है कितना इंटरेस्टेड रहता है। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा रहा आज का व्लॉग। हम जा रहे हैं आज मेरठ नानी के घर, बहुत टाइम बाद। मुझे तो लगभग 2 साल हो गए मैं गया ही नहीं। आज जा रहे हैं क्योंकि इधर उधर से ही फुर्सत नहीं मिलती। हमारे साथ पापा नहीं जा रहे, आज हम जाएंगे गाड़ी से, मतलब अलग है नहीं मम्मी, पापा को कुछ काम है हमारे। चलो फिलहाल सब एकदम रेडी हैं, बैग वैग पैक करके, ये रही मिठाई, और चलो। ये आ गए भैया। तो गाइस, काफ़ी मस्त मौसम हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है और लगभग बज रहे हैं 7। ये देखो 7 बजने वाले हैं, 7 पूरे नहीं बजे अभी भी। और फिलहाल अभी हम पहुँचे हैं गजरौला, जल्दी ही पहुँचेंगे। अभी तो कम से कम 1.5 घंटा आया हमें। बाकी आज भैया आए हमारे साथ, काफ़ी मस्त मौसम चल रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आज का दिन बहुत ही मस्त होने वाला है, ऐसा तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि बादल बादल आए हुए हैं, आराम से ठंड ठंड में पहुँच जाएंगे। तो गाइस, काफ़ी कम ट्रैफिक है, वैसे भी सुबह सुबह आराम से पहुँच जाएंगे। और अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है, नाश्ता भी नहीं करा, इतनी जल्दी चल दी हम। और यहाँ पे दिक्कत भी है, दुकान भी खुली हुई नहीं मिल रही है अभी कोई। होप करते हैं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा रास्ते में, नहीं तो घर जाके खाना पड़ेगा फिर। अभी पहुँचे हम ब्रज घाट और काफ़ी मस्त सीन दिख रहा है यहाँ पे। 2-3 नाव भी चल रही हैं वहाँ पे, दिख रही होंगी आपको। भाई काफ़ी स्पीड से जा रहे हैं सुबह सुबह के टाइम में, और पूरा ब्रज घाट का माहौल अलग ही लग रहा है सुबह सुबह, इतना मस्त माहौल लग रहा है। ये देखो वहाँ पे सनराइज़ हो रहा है और यहाँ पे इतना मस्त माहौल है रिवर। फिलहाल हम पहुँचे हैं टोल बूथ पे, जल्दी पहुँच जाएंगे, करीबन अब 1 घंटा और लगेगा यहाँ से मेरठ के लिए। बाकी फटाफट टोल पे वैसे कटवाते हैं और फिर चलते हैं। मेरठ रह गया है बस अब 47 किलोमीटर दूर। तो गाइस, फाइनली हम मेरठ के अंदर हैं इस समय, और काफ़ी भीड़ है यहाँ, तो आते ही भीड़ है, मतलब पूरे रास्ते इतनी भीड़ नहीं थी जितनी यहाँ पे अकेले है, कहीं नहीं मिली इतनी भीड़ हमें सुबह सुबह। और काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है दिन की 1K सब्सक्राइबर्स के साथ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। अब जल्दी पहुंचने वाले हैं घर पे हम, बाकी दिखाता हूँ बीच में क्या रहता है। गाइस, फर्स्ट रेड लाइट मिल गई हमें, ये देखो इतना ट्रैफिक है ना यहाँ पे, ऐसे ही चलता रहता है। बाकी कुछ ही दूर रह गए बस घर से। गाइस, काफ़ी घिचपिच हो रखी है गली में, यहाँ पे जाम लगने की पूरी संभावना है क्योंकि इतनी सी गली वैसे ही है, छोटी सी, और आसपास लोगों ने साइड में इधर उधर और खड़ी कर रखी है गाड़ी। कैसे निकलेंगे पता नहीं, निकल जाएंगे लेकिन हम जैसे भी। ये देखो अंकल भी आगे को लिया एकदम, कहाँ से निकालेंगे इन्हें पता नहीं। देर से मैं ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि सो गया था मैं, काफ़ी थक गया था आगे, जल्दी उठा सुबह, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं कर पाया। तो फिलहाल अब स्टार्ट कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे वैसे भी बहुत शोर मच रहा है, ये रही मम्मी, ये रहा, और वो रहा छोटा भैया, अब आगे ये रही बेटी। जोमेटो चलता है यहाँ पे, दिक्कत ही नहीं है, घर पे बैठे बैठे ऑर्डर हो जाता है। बाकी ये रहे मामा, हे जस्ट अभी पता चल रहा है कि जो हम गाड़ी बुक करके लाए हैं ना, उसे जल्दी जाना है भैया को, अभी उन पर भूख आ गई कोई सी, तो अब हमें जल्दी निकलना पड़ रहा है, नहीं तो अभी हम 8 बजे के आसपास निकलते हैं, 8-9 बजे के आसपास, और जब हमें निकलना पड़ रहा है अब 6:30 बजे के आसपास। तो काफ़ी कोई बात नहीं, बड़े मन से आए थे, अब कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं। मम्मी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताओ, मम्मी कैसा लग रहा है, कोई बात,
सैड है। सदमा लगता रहता है थोड़ा बहुत, ऐसे कोई बात नहीं, रेडी हो जाते हैं एक शॉप से एक शॉप से। और ये हो गए सॉक्स, बाकी अब बारी आती है शूज़ की, कहाँ हैं ढूंढने पड़ेंगे, सुबह से पहने ही नहीं शूज़ वो रहे ये रहे। तो ये भी एकदम स्टाइल में पहनेंगे, ये भी हो गए रेडी। चलो अब चलते हैं, फिलहाल मम्मी से मुझे डांट पड़ रही है लगातार। मम्मी चलें फिर चलें, रुकना है, है? नहीं है चलना है, चलो उड़ाओ तो फिर फटाफट चलो। गाइस बहुत ही इमोशनल सीन है, जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, वो भी अनएक्सपेक्टेड जाना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता नहीं था हमें जाना पड़ेगा इतनी जल्दी, हम तो आराम से बैठे थे लेकिन अब जा रहे हैं, कोई बात नहीं। आई मैं सबसे मिलवा देता हूँ, पहले जाने से पहले ना सबसे मिलवा के रहूँगा, बहुत टाइम हो गया ना मिले, एक बार और दिखा देता हूँ। टी का समारोह इज ऑन, मामा लेके बैठे हैं थाली। हेलो मंगलम भगवान विष्णु ओम नमः शिवाय, हो गया बस हो गया, चलो बन गए हीरोइन, अब मेरी बारी, चलो हमारे शिवाय भैया। कौन है सर आप, बता दो तो थोड़ा बहुत। शिवाय भैया, वेरी गुड। देखो पूरी टोली इकट्ठी हुई भी है यहाँ पे सारी, एक दो तीन और चार, और एक और कहाँ है, ट्यूशन, वो ट्यूशन चली गई भाई। ये है गौरी दीदी हमारी, गौरी दीदी आ तो जाओ, ये छोटे, ये तो छोटे भैया मिलवा दिया, ये रही है लड़ाई कर रही है अभी भी, वैशु लड़ाई कर रही है अभी, ये अरे यार भाई काफी मस्त है एरिया, देव भाई रो रहे आप भी। तो गाइस काफी मन लगा रहता है, कम से कम मतलब 5-6 बच्चे हैं वही मन लगा रहता है पूरे दिन। फिलहाल गाड़ी बाहर खड़ी है, वहीं चल रहे हैं गाड़ी के पास, चलो फिर चलें, टाटा। तो टाइम हो रहा है लगभग 6:10 पे हम यहाँ से जा रहे हैं, अब देखते हैं कितने बजे तक हम पहुँचते हैं। बाकी मैंने कुछ नहीं करा आज पूरे दिन भाई मैंने लेट मारी है आज, और व्लॉग भी मैंने शाम में शुरू करा है जैसा कि आपको बताइए, क्योंकि नींद इतनी तेज़ आ रही थी, सुबह इतनी जल्दी उठ गए थे ना, नींद आ रही थी। अब तो ये लेंगे यहाँ पे पान वाली टॉफ़ी, जब भी आती है ना पान वाली टॉफ़ी ज़रूर लेनी है भाई साहब, पूरा डब्बा ले जाती हैं यहाँ से पान वाली टॉफ़ी का, बहुत शौकीन है भाई। लगी टोली, कितना मस्त सीन रहता है ना ऐसे बच्चों के साथ। चलो भाई चलें, टाटा बाय 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 बाय, चलो 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 चलाते भी जोर पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो गाड़ी में बैठ गए अब चलते हैं, चलो हाय रा चले भैया, चलो हर बार की तरह पान वाली टॉफ़ी लेके ही मांगी, दिखाइए हो रही चिप्स वगैरह कुछ नहीं, पान वाली टॉफ़ी, अरे देखेंगे चिप्स विप्स की भी यार। तो गाइस यहाँ से ले लेते हैं पेटीज, जो कि हम हर बार ले लेते हैं, काफ़ी मस्त शॉप है, यहीं से लेते हैं हम जब भी आते हैं ना, यहीं से बढ़िया बढ़िया चीज़ें रख रखी हैं उन्होंने, यहीं से ले लेते हैं। पास्ता पेटीज मिलती हैं यहाँ पे, बाकी पनीर पेटीज भी मिलती है, काफ़ी वैरायटी ऑफ पेटीज है। तो गाइस ये हो रही है हमारी पेटीज पैक, और बाकी पिज्जा पेटीज कर दिए एक, हाँ ठीक है चलो ये हो गए पूरी पेटीज, नहीं कोल्ड नहीं हुई भाई। करीबन दूसरी से तीसरी रेड लाइट पे खड़े हैं हम, दूसरे से तीसरी रेड लाइट पे खड़े हैं भाई यहाँ पे, ओ भाई अब बार बार स्टॉपेज लगा जा रहा है, स्टॉप लगा जा रहा है, लगे जा रहा है।